और अब फटाफट खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ जो कि मौसम से जुड़ी हुई है। दिल्ली में जारी कड़ाके की ठंड के बीच आज सियासी मौसम गर्म रहा और पीएम मोदी ने दिल्ली में रोड शो किया और उसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी रही। दो दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 9 राज्यों में विधानसभा चुनावों और 2024 में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा और वहीं संगठन में बदलाव को लेकर भी कई अहम फैसले लिए जाने की खबर है। पीएम मोदी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। आज दिल्ली में बीजेपी का महामंथन, तेईस में तैयार, 24 का प्लान। दो दिन में बनेगा जीत का रोड मैप। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। दिल्ली में पीएम मोदी का मेगा शो, आज से दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिनों की बैठक शुरू हो गई। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। बैठक में इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ अगले साल होने वाले आम चुनावों पर मंथन होगा। साथ ही बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल के विस्तार पर भी मोहर लग सकती है। बैठक के दूसरे दिन सभी सदस्यों को मिलेट भोजन परोसा जाएगा और परिसर को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा। बैठक से पहले पीएम मोदी का रोड शो भी हुआ। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और गुजरात में भारी जीत पर प्रकाश डाला जाएगा। वहीं जिन चुनावों में बीजेपी की हार हुई है उन्हें लेकर चर्चा और प्लानिंग की जाएगी। बीजेपी की 160 बूथों पर कमजोरी और वहां से मिले फीडबैक को लेकर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी सभी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है। आज इस बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री के भव्य रोड शो से हुई। इस रोड शो को भव्य कहना इसलिए जरूरी है, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये 2024 के चुनावों का आगाज है। भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहती है कि पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेके भी बड़े बदलाव के संकेत इस बैठक से मिल सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल का वक्त हो लेकिन सियासी ताना-बाना अभी से बुना जाने लगा है। सियासत में एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने वाले रास्ते को बीजेपी इन दिनों दुरुस्त करने में जुटी है। बीजेपी की इस बैठक में यूपी बीजेपी में बदलाव को लेकर भी चर्चा होगी और इस बैठक में शामिल सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है, तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। बीजेपी ने यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बैठक के दौरान पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष के कार्यकाल को 2024 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और आइए इस मीटिंग से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। बैठक का एजेंडा क्या कुछ है तो 9 विधानसभा चुनावों की रणनीति इस बैठक में तैयार होने जा रही है और 24 लोकसभा चुनाव की प्लानिंग
बूथ लेवल पर संगठन विस्तार कैसे किया जाए इस पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय योजनाएं जनता तक कैसे पहुंचाई जाए ज्यादा से ज्यादा इस पर भी जोर दिया जाएगा। G20 को लेकर प्लानिंग होगी और कमजोर स्थानों पर पार्टी की मजबूती कैसे बढ़ाई जाए इस पर भी मंथन किया जाएगा। कई तरीके के सुझाव भी मिलेंगे और इसके साथ ही कई टिप्स भी दिए जाएंगे। उधर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कितनी ताकतवर है तो आइए वो भी आपको बताते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी की सर्वोच्च इकाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 80 सदस्य और जिसमें 50 स्पेशल इनवाइटी सदस्य हैं और 179 परमानेंट इनवाइटी मेंबर्स हैं। पार्टी की सबसे पावरफुल इकाई, पार्टी के सभी बड़े फैसले यही होते हैं और पार्टी के संविधान में संशोधन का अधिकार, पार्टी के लिए नए नियम तय करने का जिम्मा, पार्टी अध्यक्ष भी इसकी रजामंदी से फैसला लेते हैं। तो ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारियां दी। उधर बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और बीजेपी आगामी चुनावों में डिजिटल तकनीक का सहारा लेती दिखेगी। तो आइए आपको कुछ जानकारियां ऐसे जुड़ी हुई भी देते हैं, वो कौन सी टेक्निक हो सकती है 2024 की लड़ाई के लिए। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति तैयार हो रही है और डिजिटल तकनीक का सहारा बीजेपी लेने जा रही है। इसके अलावा बूथ के वोटर्स का डेटा प्रबंधन करेगी बीजेपी, मोदी योगी सरकार की योजनाओं का डाटा प्रबंधन होगा और 2024 जीतने के लिए ट्विटर प्लान भी बनाया जाएगा। अमित शाह खुद करेंगे मॉनिटरिंग और हर संसदीय क्षेत्र के लिए ट्विटर हैंडल बनेगा। बूथ लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी होगा संवाद और इसके अलावा हर संसदीय क्षेत्र में एक सोशल मीडिया टीम की तैनाती की जाएगी क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग पर भी फोकस है पार्टी का और इसलिए अब अलग तरीके की रणनीति पार्टी बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीता जा सके। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।